press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज मेरे पास है वीवो का Y90 और इसमें FRP लगी हुई है। तो हम इसे कैसे अनलॉक करेंगे वो भी विदाउट कंप्यूटर, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा फ्रेंड्स। आपको वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, अगर स्किप किए तो ये समझ में नहीं आएगा। और इस मेथड को आप जान गए तो आप किसी भी वीवो का फ़ोन आप FRP अनलॉक कर सकते हैं वो भी विदाउट एनी वीडियो वॉचिंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आपको आगे बढ़ना और यहाँ पे किसी न किसी वाईफाई से कनेक्ट कर लेना। आपको हम एक वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं और वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद नेक्स्ट बटन क्लिक नहीं करना फ्रेंड्स। और उसके बाद एक और वाईफाई खोल के रखना है और वहाँ पे आपको यूज स्टैटिक्स IP को ऑन करके यहाँ पे किसी एक को सिलेक्ट करके कुछ टाइप करके सिलेक्ट करना, वेब पेज पर क्लिक कर देना फ्रेंड्स। आप वीडियो में ध्यान से देखें, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करना। अब आपका कोई ब्राउज़र खुल जाएगा और ब्राउज़र खुलने के बाद आपको यहाँ पे एक वेबसाइट सर्च करना है जो कि मेरा वेबसाइट है और उसका वेबसाइट का URL है amtech99.xyz फ्रेंड्स .xyz या फिर .com भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम यहाँ पे .xyz लगाते हैं, amtech99.xyz यहाँ पे टाइप करके और यहाँ पे क्रैक सॉफ्टवेयर के पास 3 लाइन पे क्लिक करके और FRP APK पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे FRP एप्लीकेशन आ चुके हैं। तो हम इसमें से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जो कि नोकिया गूगल अकाउंट एंड्रॉयड 8.1 है और इसे डाउनलोड कर लेंगे फ्रेंड्स। और डाउनलोड हो जाने के बाद इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यह डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। अब इंस्टॉल होने के बाद हम इसे डन बटन पर क्लिक करेंगे और मुझे एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उस एप्लीकेशन का नाम है FRP बाईपास एप्लीकेशन फ्रेंड्स। ये रहा FRP बाईपास APK। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे पास का लाइट कट चुका है इसलिए बैकग्राउंड ब्लैक दिख रहा है। इससे आपको कोई परेशानी हो तो उसके लिए बेहद खेद है फ्रेंड्स, सो सॉरी। तो हम आगे इसको इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करेंगे फ्रेंड्स। तो डाउनलोड हो जाने के बाद इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी साइन इन करना है, तो इसके लिए आपको ऊपर में 3 लाइन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ब्राउजर साइन इन पर क्लिक करना है। ब्राउजर साइन इन पर क्लिक करने के बाद ओके बटन दबाने के बाद आपका एक ब्राउजर खुलेगा और यहाँ पे आपको कोई भी गूगल अकाउंट और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर जाना है। अगर आपके पास गूगल अकाउंट बाईपास पासवर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नया अकाउंट बना सकते हैं नीचे क्लिक करके। तो हम यहाँ पे नया अकाउंट बना रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको नाम, लास्ट नाम और कोई भी यूजर नेम जैसे यूनिक सा होना चाहिए, कोई ऑल ओवर द वर्ल्ड में कोई यूज ना किया हो। और उसके बाद आपको पासवर्ड डाल देना है। तो हम ये सब डाल के और आगे नेक्स्ट करते हैं। फ्रेंड्स पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर पूछा जाएगा जो कि ऑप्शनल है। हम यहाँ पे उसे फिल नहीं करेंगे, यानी हम फ़ोन नंबर नहीं देंगे। यहाँ पे हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं जो 18+ हो, फिर कोई बात नहीं, आप 18 भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको मेल और फीमेल कोई सिलेक्ट कर लेना और सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके IAGREE बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये साइनिंग हो चुका है। तो आप हमें कुछ नहीं करना, सिंपली फ़ोन को रीबूट करना है यानी बंद कर खोलना है। पावर बटन दबा के रखेंगे और यहाँ पे रीबूट का ऑप्शन आएगा, हम इसे प्रेस कर देंगे, फ़ोन बंद होकर खुद खुलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स फ़ोन ओपन हो चुका है, थोड़ा सा वक्त लगेगा इसे खुलने में।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं खुल चुका है, तो हम सेटअप योर फ़ोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करके और इंडिया और बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना है, नेक्स्ट करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट करने के बाद डोंट कॉपी फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट एडेड, जो हमने ईमेल आईडी बनाया था वहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अब हमें कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सिंपली नेक्स्ट बटन क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको साइनिंग करने के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने लॉगिन कर दिया है बाई पास मेथड से। फ्रेंड्स मैं वीडियो के लास्ट में नहीं, मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो से सहमत हैं, यानी आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और ऐसा वीडियो बार बार देखने के लिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को ज़रूर दबाएं और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा बताएं, अगर बुरा लगा हो तो बुरा लगा फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन ऑनेस्टली फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्किप करते जाते हैं और आप देखेंगे थोड़ी देर में मेरा फ़ोन स्विच ऑन हो जाएगा, वो भी विदाउट एनी गूगल अकाउंट रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है, यहाँ पे गूगल अकाउंट नहीं मांगा फ्रेंड्स। हम अब चलते हैं इसके सेटिंग में। तो फ्रेंड्स हम फिर से बोलना चाहते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, घंटी दबाना ना भूले और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। आशा करता हूँ आपका फ़ोन अनलॉक हो चुका होगा। खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।